सब निकलवाए। तीनों लोगों का ठाकुर सब प्रसन्न थे, संत प्रसन्न थे, देवता प्रसन्न थे, यमुना प्रसन्न थी, पर्वत प्रसन्न थे, सारा ब्रज मानो पागल हो गया था। परमात्मा का प्रण है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा ठाकुर कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए उसने आज तक कुछ किया बोलो? अपने लिए कोई घर नहीं बनवाया, अपने लिए कोई बिल्डिंग नहीं तैयार की, कोई बंगला नहीं खरीदा उसने आज तक, कोई गाड़ी नहीं ली उसने, ली बोलो? और कहां सोता है मेरा ठाकुर? जिसके नाम से ही आप डर जाएंगे। अरे सोने की तो बात, समुद्र में अगर हमें घुसा भी दिया जाए तो देखने से ही समुद्र से कितना डर लगता है, और वो बीच समुद्र में क्षीर सागर में शयन करता है, और किस पर शयन करता है? शेषनाग की सैया पर, सर्प की सैया पर, जिसे देखकर दूरी से देखकर के व्यक्ति भागता है। परमात्मा सर्प पर लेट करके भी शांत है, बोलो? शांताकारम भुजग शयनम, जो सांप पर लेटा हुआ है सर्प पर लेट करके भी शांत है। क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है? सर्प कहते हैं काल को, संदेश साफ है कि जो सर पर लेटकर शांत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबसे महंगे गद्दे पर लेट करके भी अशांत हैं, हम सबसे महंगे बेड और गद्दे पर लेट करके भी अशांत हैं, और वो सर्प पर लेट के भी शांत है। तो शांति कहां है प्यारे? पदार्थों में है कि अंदर है, बोलो? शांति अंदर है, शांति पदार्थों में नहीं है, शांति डबल बेड में नहीं है, शांति बहुत बड़े ऊंचे गद्दों में नहीं है, शांति तो अंदर की वस्तु है। और हम करते क्या खोज बाहर रहे हैं, अंदर की चीज कहां खोज रहे हैं? बाहर। जैसे मैंने बताया नहीं आपको कि अगर कोई व्यक्ति जाए और कपड़े की दुकान पर दवा मांगने लगे तो वो तो यही कहेगा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, दवा तो दवा की दुकान पे मिलेगी। तो ऐसे ही अंदर की वस्तु हम बाहर खोज रहे हैं, शांति अंदर की चीज है, और खोज संसार में रहे तो संसार तो सारा अशांत है, यहां कोई सुखी नहीं है। हाँ सुखी जैसे लगते हैं बाहर से, अंदर सब सब दुखी हैं, सब खिन्न हैं, सब अप्रसन्न हैं, लेकिन बस किसी से पूछो कैसे हो, बहुत बढ़िया, बोलो? किसी ने आज तक ही कहा, जिससे पूछो कैसे हो आप, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे और की तो बात छोड़ दो, पति पत्नी की बात बता रहा हूं, पति और पत्नी का कभी विवाद होता ना, कभी कभी ज्यादा झगड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो जब ज्यादा झगड़ा हो जाता है उस समय पति पत्नी के अंदर जो विचार उठते हैं वो अगर एक दूसरे को बता दें तो उसी दिन तलाक हो जाए, लेकिन वो बताते नहीं है, बताते नहीं, बताते। तो सब अशांत हैं अंदर से, सब अशांत हैं, कि वो संसार ही अशांत है। असारह खल संसारो दुख रूपी विमोह का,
यहाँ सार है, यहाँ सार है ही नहीं। हम तो उस तोते की तरह हैं। तोता आपने देखा, सबने देखा होगा, तो तोता क्या करता है, एक सेमल का वृक्ष होता है, सेमल के वृक्ष में एक बड़ा सुंदर फल होता है लाल। तोता सोचता है कि सेमल के फल में बड़ा सुंदर रस होगा अंदर, जब देखने में इतना सुंदर है तो अंदर तो बहुत ही सुंदर होगा, रस इसका बड़ा मीठा होगा, मधुर होगा, तो तोता उसमें चोंच मारता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। सोचता है कि गलत जगह चोंच लग गई इसलिए नहीं रस मिला, तो दूसरी जगह मारता है, तीसरी जगह मारता है। उसे आज तक जब से सृष्टि बनी है तोता हर बसंत ऋतु में सेमल के वृक्ष पर बैठकर यही करता है, लेकिन जब से सृष्टि हुई है और आज तक तोते को उससे एक बूंद भी नहीं मिली है, लेकिन आस अब भी लगाए है। ऐसे ही हम आज तक हम अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, इसी आशा में रोते हुए जन्म लेते हैं और रोते हुए ही चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्यारे सत कर्म करना सीखो, सत मार्ग पर चलना सीखो, सत धर्म करना सीखो, और सत धर्म कर वही सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। संत कहते हैं क्या मजाल जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थपकी तो मुंडो फोर देवे। बिना प्रभु की इच्छा के जीव राम नाम भी नहीं ले सकता मुझसे, कोई सदकर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे परमात्मा कष्ट देना चाहता है उसकी बुद्धि को पहले खत्म कर देता है, वो सदमार्ग पर चलने ही नहीं देता। जब मन सदमार्ग पर चलने के लिए तैयार न हो, जब पैर कथा में जाने के लिए तैयार न हो, जब हाथ दान के लिए तैयार न हो, कान कथा श्रवण के लिए न तैयार हो, पैर कथा पांडाल में जाने के लिए न तैयार हो, तो समझ लो कि हमारे बहुत बड़े कोई पाप उदय हो चुके हैं, हमारा बुरा समय आने वाला है, बहुत नजदीक है। और जब पैर कथा श्रवण के लिए न माने, मन तड़पने लगे, व्याकुल हो जाए, सदकार्य करने के लिए, सद्धर्म पर चलने के लिए, सदकार्य करने के लिए, तो समझना कि जीवन में जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान की कृपा होने वाली है, आपके कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने वाले हैं। उसी को परमात्मा चलाता है जिस पर कृपा करता है, और ऐसी ही कृपा हमारे परम श्रद्धेय हमारे परीक्षित जी महाराज के सुपुत्र श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी पर हुई है, जो उन्होंने संस्था बनाई है बलराम लाल फाउंडेशन, जो कि स्वर्गीय बलराम लाल श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में बनाई गई है, जो छोटे बच्चों, निराश्रित बच्चों, उपेक्षित बच्चों, वंचित बच्चों, निर्धन बच्चों, असहाय बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को एवं महिलाओं को, निराश्रित महिलाएं, विधवा महिलाएं, असहाय महिलाएं, निर्धन महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, ऐसे लोगों की एवं जो समाज से उपेक्षित वंचित हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास करने का जो बीड़ा उठाया है, जो एक लक्ष्य लिया है, एक कार्य हाथ में लिया है, एक मिशन लिया है हाथ में, और उसके साथ ही सदमार्ग के कार्य, भगवत कार्य, क्योंकि कुछ भी करो ऊर्जा तो कहां से मिलेगी, सामाजिक कार्य करने की भी ऊर्जा भगवत कार्यों से मिलती है, परमात्मा से मिलती है, वो ऊर्जा का स्रोत है। तो जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऊर्जा कहां से, अच्छा बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कैसे कुछ होगा, लाइटें नहीं होगी तो सब चला जाएगा। तो
अनंत ऊर्जा जिस परमात्मा में है तो उसके सदकार्य करना और सामाजिक पुनरुत्थान करना, धर्म का प्रचार प्रसार, समरसता का प्रचार प्रसार, ऐसा जो कार्य करने का लक्ष्य रखा है श्रीवास्तव जी ने हमारे, मैं इस व्यासपीठ से उनको कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। और भगवान से ये प्रार्थना बार बार करता हूं कि भगवान उनको इस लक्ष्य पर, इस मार्ग पर चलने की शक्ति दे, दृढ़ शक्ति दे, दृढ़ विश्वास दे, दृढ़ साहस दे, क्योंकि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे अपना उद्धार तो सब कोई कर लेता है, अपना तो पेट हर कोई भर लेता है, पशु पक्षी भी, काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के, कोई ऐसा दुनिया में प्राणी नहीं कीट पतंगे से लेकर के पशु तक जो अपना पेट न भरता हो, बोलो, जिसे नींद न आती हो, जिसे भूख न लगती हो, जिसे प्यास न लगती हो, और जो सब कीट पतंगे तक अपना भोजन ढूंढ लेते हैं, सब कोई अपना पेट भर लेता है, जीवित जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, क्या जीवन है, क्या जीवन है? सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को जवान हुए, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को वृद्ध हो गए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को चल बसे, ये क्या जीवन है? ये कौन सा जीवन है? ये काय का जीवन भाई? ये कोई जीवन नहीं है प्यारे। जीवन वो है जब आए थे तो आप रोए थे, और जब आप जाएं तो शत्रु के भी आंसू निकल पड़े, जीवन ये है प्यारे, जीवन ये है, ये जीवन है। आए थे तुम जगत में, जगत हंसा तुम रो, सब हंसे थे ना, सबने खूब बजाया था। आए थे तुम जगत में, जगत हंसा तुम रो, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए, आप हंसे जग रो, आपकी अनुपस्थिति में। अच्छा, स्वर्ग कौन गया है? आपने देखा होगा ना कि जैसे कोई मर जाता है, जिसका देहांत हो जाता है, किसी का हो, चाहे कितना गलत से गलत व्यक्ति हो, महाराज आज तक किसी ने कार्ड में ये नहीं लिखाया कि हमारे बाबा जी का नरक वास हो गया। बोलो, कितने भी गलत से गलत, कितने भी गलत से गलत रहे हो, किसी ने कार्ड में ये नहीं लिखाया कि हमारे बाबा जी का नरकवास हो गया। कार्ड में सब स्वर्ग जाते हैं, कार्ड में कोई आज तक नरक नहीं गया, लेकिन कार्ड में लिखने से कोई न तो आज तक स्वर्ग गया है प्यारी, आज तक कोई नहीं गया है। कार्ड स्वर्ग नहीं भेजता है, उसके कर्म स्वर्ग भेजते हैं, उसके कर्म स्वर्ग भेजते हैं। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये हैं कि जब कोई जाए और परिवार वाले तो रोते ही हैं, पत्नी तो रोएगी, पुत्र तो रोएगा ही, सब रोते हैं, लेकिन सारा समाज रोने लगे और कहे उनका जाना पूरे समाज को एक बहुत बड़ी क्षति दे गया है, एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान दे गया है, इस रिक्त स्थान को भरना बड़ा कठिन है, जब उस रिक्त स्थान को भरना असंभव सा लगने लगे तो समझ लो कि वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग गया है, बीच में कहीं नहीं रुका है। और लोग कहें प्रभु बहुत अच्छा हुआ, नरक ही किए था,
चला गया बड़ा अच्छा। तो कार्ड में चाहे 25 जगह लिखाओ, 25 जगह लिखा दो, लेकिन कोई मतलब नहीं। इसलिए पुनः हमारे श्रद्धेशी अभिषेक श्रीवास्तव जी को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद। गोकुल में परमानंद हो गया, महा आनंद हो गया। कन्हैया ने यशोदा मैया के यहां अवतार लिया, प्रकट हुआ कन्हैया। हमारा ठाकुर कहां प्रकट होता है, किसके आंगन में, किसके हृदयांगन में प्रकट होता है? जब आप यशोदा बनेंगी, यश ददाति सा यशोदा। जो काम तो स्वयं करे लेकिन यश दूसरे को दे, वही यशोदा है। नंदयति सर्व जना नाम स नंदा। जिसने कभी अपने स्वप्न में मन से वाणी से कर्म से जिसने कभी किसी की आत्मा को न दुखाया हो, कभी किसी को कष्ट न दिया हो, वो है नंद। ऐसे नंद यशोदा के यहाँ ही परमात्मा प्रकट होता है और आनंद देता है, परमानंद करता है। कन्हैया प्रकट हुआ, पूरे ब्रजवासी पूरे ब्रजमंडल में परम आनंद महा आनंद। गोभी पिबत इति गोपी। और गोपी कौन है? ये गोपियां महाराज साधारण गोपियां नहीं है, ये वो गोपियां हैं जिन्होंने अपने हजारों हजार जन्म कन्हैया के लिए कुर्बान कर दिए हैं लेकिन कृष्ण रस का पान नहीं कर पाई हैं। ये वो गोपियां हैं, उस कृष्ण रस का पान करने के लिए गोपियों ने ब्रज में जन्म लिया है, गोपी बन करके जन्म लिया है। आज परमानंद हुआ, हमारे भोले बाबा भी कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए, जोगी का वेश बनाए। शंकर जी का तो बड़ा विशाल विचित्र वेश है महाराज, अशुभ वेश शिवधाम कृपाल। वेश तो अशुभ है लेकिन शुभ धाम है, शुभ के धाम। तो अशुभ वेश देखा, अलख निरंजन किया, दरवाजे पर यशोदा मैया भिक्षा लेकर के आई। बोले बाबा लो भिक्षा। भोले बाबा ने कहा नहीं मैया, ये भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा कुछ नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए। यशोदा मैया ने कहा किसके दर्शन चाहिए? भोले बाबा ने कहा मैया तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया ने कहा बाबा दर्शन तो मैं करा देती लेकिन जब हम ही देख के तुम्हें डर रही हैं, तो लाला की क्या दशा होगी? इसलिए क्षमा करना बाबा, वो आपके रूप को देख करके डर जाएगा मेरे लाला, इसलिए मैं क्षमा करना मुझे। बाबा ने बहुत कहा लेकिन नहीं मानी मैया। तो भोलेनाथ ने कहा कन्हैया तू इतना निष्ठुर हो जाएगा, मैं नहीं जानता था। अरे मैं कैलाश छोड़कर तेरे दर्शन को आया और तू दर्शन नहीं देना चाहता? तू यहां जन्म ले लिया तूने, तू नंद बाबा के यहां जन्म ले लिया तूने, प्रकट हुआ तू, अपने को कुछ समझने लगा? मुझे ऐसे ही लौटा ले? ठीक है तेरी जैसी मर्जी, मैं जा रहा हूं। बोले बाबा चल दिए। पर जैसी भोले बाबा चले कन्हैया ने देखा मेरे भोलेनाथ उदास होकर के बगैर दर्शन किए जा रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कन्हैया रोने लगा। अब मैया चुपाए, सारी गोपियां चुपाएं लेकिन कन्हैया कैसे भी न चुपे। तो मैया ने कहा जरूर उस बाबा ने कुछ टोटका कर दिया है, कुछ टोना कर दिया, इसीलिए नहीं ये चुप रहा है। भागती हुई मैया बाबा के पीछे पीछे और भोलेनाथ को कहे बाबा रुको, बाबा रुको, कन्हैया मेरा लाला रो रहा है, चुप ही नहीं रहा है, आप जल्दी से रुक जाओ, कुछ करो बाबा। अब समझ लिया भोलेनाथ ने कि मैया ने मुझे जितना परेशान किया मैं इसे भी इतना ही परेशान करूंगा, लगता है काम बन गया। तो कन्हैया मैया तो आवाज लगाई लेकिन बाबा ना रुके। भागती हुई मैया ने जाकर के बाबा से कहा बाबा रुक जाओ, मैं क्षमा मांगती हूं,
पता नहीं क्या हो गया है, जब से आप दरवाजे से वापस लौटे हो कन्हैया चुपने का नाम नहीं ले रहा है, जल्दी से चलो कुछ करो। बाबा ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। भोलेनाथ गए, अंदर ले गई मैया और कन्हैया को भोलेनाथ की गोद में दे दिया। और जैसे ही भोलेनाथ ने कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया ने रोना बंद कर दिया और मंद मंद मुस्काने लगा। कन्हैया धन्य है भोलेनाथ, तुमने यहां तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, यहां तक पीछा नहीं छोड़ा। भोलेनाथ कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, बार बार कन्हैया का स्मरण करते हुए कैलाश को आए। इधर नंद बाबा कंस को टैक्स देते थे, कर देते थे, तो पांच थाल लेकर के, स्वर्ण थाल, पंच रत्न, ये सब लेकर के नंद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे, उसको भेंट प्रदान की और कन्हैया के जन्म लेने की सूचना दी कंस को। तो कंस ने कहा नंद बाबा मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। देखो ये परमात्मा है, जो शत्रु से भी आशीर्वाद प्राप्त कर ले वही परमात्मा है। नंद बाबा ने सोचा चलो कुछ कन्हैया के लिए लेते चलें। तो नंद बाबा तो खिलौने खरीदने में लग गए। इधर कंस ने पूतना को भेजा कि जाओ ब्रज में तत्काल जन्म लिए हुए बच्चों का वध कर दो, क्योंकि कन्या ने कहा था ना कि कंस तू मुझे नहीं मार सकता लेकिन तेरा मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। तो कंस ने आदेश दे दिया पूतना को जाओ और तत्काल जन्म लिए हुए बच्चों का वध कर दो। देखो जब गो माने होता है भक्ति, जब मन गोकुल रूपी हृदय को छोड़कर देहाशक्ति में जब जीव आसक्त होता है, मथुरा रूपी देहाशक्ति में आसक्त होता है, तो मनुष्य के जीवन में बाधाएं आने लगती। कंस ने नंद ने जैसी गोकुल छोड़ा और मथुरा में गए, वैसे ही गोकुल में बाधाएं आनी शुरू हो गईं। पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके और अपने स्तनों में विष लगा करके कन्हैया को मारने के लिए गोपी रूप बना करके आई। तो गोपियों ने सोचा ये कोई बड़े घर की गोपी है, तो अब सब ब्रजवाल उनको तो पहचानते नहीं, तो सोचे कोई गोपी होगी बड़ी घर की होगी। तो रोका ही नहीं किसी ने, पूतना अंदर चली गई। कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। तो संतों ने, भक्तों ने कहा आंखें क्यों कन्हैया ने बंद कर ली? तो संत कहते हैं इसलिए आंखें बंद कर ली कन्हैया ने कि कन्हैया सोचता था कि अभी हमारा जन्म हुआ है तो हमें माखन मिलेगा, मिश्री मिलेगी, लेकिन ये जन्म लेते ही विष पीना पड़ेगा, ये तो कभी नहीं सोचा था, इसलिए आंखें बंद कर ली। संत कहते हैं इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि पूतना है अविद्या, पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जिसका हृदय पवित्र नहीं है वही है पूतना। पूतना वासना को भी कहते हैं, पूतना वासना को भी कहते हैं। ये वासना 14 स्थानों पर रहती है, 10 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 स्थान ये, तो 14 स्थानों पर वासना निवास करती है। जब कान कुछ भी सुनने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो कि कानों में पूतना बस गई है। आंखें कुछ भी देखने के लिए तैयार हो जाएं, समझ लो आंखों में पूतना बस गई है। जीभ कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो जीभ में पूतना बस गई है। अच्छा
भोजन जो है जैसा सभी लोग जानते हो ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बोलो वैसे ही बनेगा। गीता में भगवान ने लिखा है कि भोजन भी कैसा करना चाहिए। हमारे शास्त्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे चलना चाहिए, कोई जीवन का अंग कहीं बकाया नहीं है महाराज। काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। भोजन तीन प्रकार का होता है, रजो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। रजोगुणी जो भोजन होता है उससे कामनाएं पैदा होती हैं तमाम, ये बन जाए वो बन जाए, ये कर लें वो कर लें। तो काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्भवा। अब होता क्या है कि जैसे कोई कामना पूरी हो गई तब तो दूसरा अवगुण और पैदा हो जाता है, लोभ। एक काम बन गया ना तो दूसरा, तो लोभ पैदा हो जाता है, और अगर काम नहीं बना तो क्रोध पैदा हो जाता है। तो इसलिए दोनों खराब है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्र। इसलिए कभी भी रजोगुण ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और तमोगुण तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमसे कुछ नहीं बचा है, हमने पेट को कब्रिस्तान बना दिया, कुछ भी नहीं बचा। हमारे कोई सिद्धांत नहीं रहे हैं, जबकि पशुओं तक के सिद्धांत हैं, ध्यान रखना, पशुओं तक के सिद्धांत हैं। अच्छा बताओ, सिंह के पास घास डालो खाएगा, शेर के पास घास डालो खाएगा, नहीं खाएगा। उसने अपना सिद्धांत नहीं बदला, बदला। गाय के पास मांस डालो खाएगी, बोलो। जब से सृष्टि बनी है पशु अपने सिद्धांत पर कायम है, लेकिन हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। हमसे तो अच्छे श्वान है जिसे आपने भगाया था, हमसे अच्छे श्वान है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने मोहल्ले में नहीं आने देता, बुलवाने देता, जब तक, और आ गया तो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके मोहल्ले में नहीं पहुंचा देगा। एक बार एक कुत्ता आ गया, उसका नाम कलुआ था। बोले तू फिर आ गया कलुआ, उस मोहल्ले के कुत्तों ने कहा उससे, तू फिर आ गया कलुआ, जब भाग यहां से दल बदलुआ, तू फिर आ गया कलुआ, जब भाग यहां से दल बदलुआ, तुझे देखकर हैरान है हम, तुझे अपने दल में मिला लें, क्या इंसान है हम। आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा सवेरे देखो कांग्रेस का लगा घूम रहे। हमारे कोई सिद्धांत नहीं है। अरे हमारी उपमा तक तो हमसे नहीं दी जाती, हमारी उपमा भी जानवरों से दी जाती है। उसकी हिरनी जैसी आंख, उसकी कोयल जैसी वाणी, बोलो बोलो। हम तो पशु पक्षियों से भी गिरे हुए हैं प्यारे, और हम जैसे हम न हो कोई बम हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज पूतना विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, गोपियों ने समझा कि ये कोई बड़े घर की बहू है, गोपी है, अंदर प्रवेश दिया। पूतना ने उठाया कन्हैया को और गोद में ले लिया, अपना स्तन पान कराने लगी। कन्हैया समझ गया, तो कन्हैया ने स्तन पान के साथ साथ पूतना के प्राण खींचने प्रारंभ किए, और जैसे ही प्राण खींचने प्रारंभ किए पूतना अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। चालाकी संसार से चल सकते हो लेकिन परमात्मा से नहीं चल सकते। और जैसे ही ओरिजिनल रूप में आई, कन्हैया पूतना को उड़ा करके ऊपर ले गया, और जा करके कन्हैया ने ऊपर पूतना के दुग्धपान करते हुए, स्तनपान करते हुए पूतना के प्राणों को खींच लिया। पूतना बड़े धमाके के साथ टकराती हुई जमीन पर गिरी, सारी गोपियां भाग खड़ी हुई, क्या हुआ क्या हुआ, देखें जाकर के कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहा है, खेल रहा है। उठाया एकदम, अरे मैया तुम देख नहीं सकती लाला को, लगता है तुम्हें लाला को पालना नहीं आता,
मैया अगर तुम ना पाल सको तो हमें दे दो, लेकिन ध्यान रखना मैया अगर मेरे लाला को कुछ हो गया तो हम फिर जीवित नहीं बचेंगे, हम कोई गोपी रह नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे लाला का विशेष ध्यान रखो। मैया ने कन्हैया को बार बार दुलारा और गोपियों से कहा, गोपियों अब ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा मांगी, अब जो है कन्हैया के करवट बदलने का उत्सव। अच्छा उत्सव किसे कहते हैं? उत माने ईश्वर, सब माने प्रकट होना, जिसमें ईश्वर का स्मरण बना रहे, जिसमें ईश्वर की चर्चा हो, जिसमें हर स्मरण हो, हर चर्चा हो, हर श्रवण हो, वही उत्सव है। और तो सब कार्यक्रम हो सकते हैं लेकिन उत्सव नहीं हो सकते। तो करवट बदलने का उत्सव हुआ, मैया ने कन्हैया को पालना में लिटाया, सुंदर नहलाया, वस्त्र पहनाए और मैया कन्हैया को पालने में लिटा करके धीरे धीरे झोंका दे रही हैं। धीरे धीरे मैया रही हैं झोलाए, झूले रहे सुख राशि, धीरे धीरे मैया रही हैं झोलाए, झूले रहे सुख राशि, धीरे धीरे झूले रहे सुख राशि, धीरे धीरे मैया रही हैं झोलाए, झूले रहे सुख राशि, धीरे धीरे मैया रही हैं झोलाए, झूले रहे सुख राशि, लियो जननी पलन पौड़ाए, झूले रहे सुख राशि, धीरे धीरे मैया रही है झूलाए, झूल रहे सुख राशि। बारंबार देख मुख शोभा मन में अति हर्षाई, बारंबार देख मुख शोभा मन में अति हर्षाई, धन्य मनावे भाग आपनो प्रीति न कछ कह जाई, धन्य मनावे भाग आपनो प्रीति न कछ कह जाई, मैया बार बार बले जाए, झूले रहे सुख राशि, मैया बार बार बले जाए, झूले रहे सुख राशि। कपोल तेरी जी मोहे लट लट कहे घुंघरारी, लोल कपोल तेरी जी मोहे लट
लटके घुंघराली। सामर सूरत मोहन मूरत अखियां हैं अति प्यारी। सामर सूरत मोहन मूरत अखियां हैं अति प्यारी। सामर सूरत मोहन मूरत अखियां हैं अति प्यारी। रहे मन रहे मंद मंद मुस्काए झूले रहे सुख राजी। रहे मंद मंद मुस्काए झूले रहे सुख राजी। धीरे धीरे मैया रही है झूलाए झूले रहे सुख राजी। ओ धीरे धीरे मैया रही झूले रहे सुख राशि। हरि बोल। Don't leave.